नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में युवा कांग्रेसियों ने डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के माध्यम से जूनियर डॉक्टरों के कम मानदेय को लेकर उनकी आवाज उठाई है। उनका कहना है कि MBBS के अंतिम वर्ष के छात्रों को एक वर्ष तक ट्रेनिंग के रूप में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होता है। इस सेवा काल में उनको सरकार द्वारा लगभग 7500 फंड दिया जाता है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने मांग रखी है कि प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों को अन्य राज्यों की तरह लगभग 25,000 हर महीने फंड दिया जाए। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया जी को डीएम देहरादून महोदय के माध्यम से जूनियर डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मुख्य मांग हमारी ये थी कि अन्य राज्यों के भांति उत्तराखंड में जूनियर डॉक्टरों का मानदेय जो 7,500 है उसको 25,000 तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में उनके द्वारा रात दिन देवदूत बनकर उत्तराखंड के सभी लोगों की सुरक्षा की गई, सभी लोगों की जान बचाने का काम किया गया, परंतु सरकार निरंतर उनको कम मानदेय देकर, कम भत्ता देकर उनका मनो। वहीं काशीपुर में ट्रचिंग ग्राउंड के नाम पर अवैध खनन की साजिश पर और 50 करोड़ से अधिक के घोटाले का खेल अब सड़कों पर गूंजने लगा है। मेयर के करीबियों पर इस घोटाले का आरोप लगा है। इसका खुलासा आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। काशीपुर नगर निगम की मेयर और उनके चहेतों ने जिस तरह से निगम के ट्रचिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों के अवैध खनन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसके शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने पूरा भांडा फोड़कर मेयर और उनके चहेतों की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में लगातार जांच की मांग कर रही आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर इस घोटाले के खिलाफ जांच के लिए स्वर मुखर कर दिए हैं। आप नेता दीपक बाली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर भर में जुलूस निकालते हुए निगम के अधिकारियों और सरकार से इस पूरे मामले में SIT जांच की मांग की है। साथ ही षड्यंत्र में शामिल सभी के चेहरे बेनकाब करने की भी मांग की है। प्रदर्शन तो आप सब लोगों ने देखा ही है, जनता भरपूर साथ दे रही है, सड़कों पर उतरी है, क्रांतिकारी साथ पूरा साथी पूरे साथ में है। और मेरी एक मांग है, जो मैंने 20 दिन पहले मेयर के ऊपर आरोप लगाकर उसके भ्रष्टाचार के खोलने की मांग की थी और SIT कार्रवाई कर जांच की मांग की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का फेरबदल होने के बाद मैंने ये युवा मुख्यमंत्री से ये फिर मांग की है कि वो मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो हम जांच की मांग कर रहे हैं उसके ऊपर तुरंत। वहीं उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक दिन में सबसे कम 89 संक्रमित मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत भी हुई है और इसके अलावा आज 101 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 538 से कम पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,882 हो गई है। इनमें से 3,26,063 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,338 लोगों की जान भी जा चुकी है। वही आम आदमी पार्टी द्वारा मिशन विजय शंखनाथ के अंतर्गत एक बैठक रुड़की के बहादुरापुर में रखी गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में दिनेश मोहनिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी काम करने की राजनीति करती है, जनता के जीवन स्तर को सुधारने एवं समृद्ध बनाने के लिए कार्य करती है, जो वादा करती है उसको पूरा भी करती है। जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार जनता को सुविधा मुहैया करा रही है, उससे लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी देवभूमि मॉडल बनकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाकर लोगों को सुविधा देगी। पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम मिशन विजय शंखनाद चल रहा है और इसमें मैं 70 की 70 विधानसभाओं में जा रहा हूं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया की ट्रेनिंग और बूथ प्रबंधन, इन दो विषयों को लेकर हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है। उसी कड़ी में आज हम प्रयान क्लियर में हैं
और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक बूथ मैनेजमेंट रहा है और जिन जो उनका संगठनात्मक स्तर रहा है उसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है केवल आम आदमी पार्टी। हम कार्यकर्ता आए हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश मोहनिया ने जो उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी है हमारे बीच में मौजूद है, हमारे साथ में यहाँ उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जिला संगठन मंत्री भाई नवीन मारिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम तमाम सब पदाधिकारी यही प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक में जाएं और जो आज तक भाजपा और कांग्रेस ने 20 साल से अधिक समय उत्तराखंड के साथ किया है, उन लोगों को छला है, वो लोगों को बताएं, लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प मानते हैं और आम आदमी पार्टी को। वहीं हरिद्वार के लक्सर में मतदाता सूची में शामिल त्रुटियों को सरकार द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में करीब 2871 त्रुटियां दर्ज हैं, जिन्हें चुनाव से पहले सरकार हर हाल में ठीक करने में जुटी हुई है। मतदाता सूची में प्रशासन द्वारा सारी खामियों को ठीक किया जा चुका है, बस 23 जुलाई को अंतिम प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार सूची जारी कर देगी। वहीं बढ़ती बिजली की दरों और लगातार हो रही कटौती को लेकर बाजपुर के भगत सिंह चौक पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। आप पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह बंटी का ये कहना है कि ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, इस कटौती से आम जनमानस और किसान बहुत परेशान है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली की तरह प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए। उत्तराखंड में बिजली के बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं और बहुत ज्यादा दरें बढ़ा दी गई हैं, जबकि हमारा जो देश प्रदेश है ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात है और ऊर्जा प्रदेश का ये हाल है कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली होने कर दी गई है। इतना भारी दबाव है जनता के ऊपर, जनता त्राही त्राही पर उतरी हुई है, वजह से हमारी पार्टी ने आज मिलों का यहाँ पर चलाया है, भूखा है और हम डिमांड करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि वो दिल्ली जैसे कि बिजली खरीद कर 200 यूनिट बिजली दे रही है जनता को, तो उत्तराखंड में तो पैदा होती है, जब पैदा होती है तो हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे को। वही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए तत्काल एक दिवसीय आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीएम राज्य आंदोलनकारियों की नौकरियों को वैधानिक स्वीकृति दिलाए। उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत बना है, लेकिन 4 साल बीत चुके हैं, अब तक राज्य आंदोलनकारियों के लिए कोई नीति नहीं बना पाया है। इससे नाराज होकर आंदोलनकारियों ने 14 जुलाई को राजभवन का घेराव करने की योजना बनाई है। इस प्रदर्शन को कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। अल्मोड़ा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का बेहतर परिणाम दिखने लगा है। जनपद में करीब 1.5 लाख गांवों को पेयजल आपूर्ति कराने के लिए युद्ध स्तर पर यह योजना अब कारगर साबित होने जा रही है। दरअसल अल्मोड़ा जनपद के पेयजल निगम द्वारा 33,000 ग्रामीण परिवार को इस योजना का लाभ देना है, जिसके सापेक्ष 12,000 परिवारों को इस मिशन के तहत जोड़ा गया है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना का लाभ लोगों को मिले, लक्ष्य के सापेक्ष 40% कार्य पूरा भी हो चुका है। मेरे अपनी शाखा के अंदर लगभग 33,000 से 34,000 कनेक्शनों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, जिनमें से आज तक वर्तमान तक हमने लगभग 12,000 परिवारों को संयोजन उपलब्ध करा दिया है और आगे शेष जो जिस पार्ट में देना है उस पार्ट में थोड़ी सी परेशानियां हैं, क्योंकि उन ग्रामों की योजनाएं शेष रह गई हैं जहां पर जल स्रोत नहीं है या पंपिंग योजनाओं से बनाए जाने हैं, जिनमें कुछ समय लगने की और संभावनाएं हैं। वहीं लालकुआ के जंगलों में जानवरों के लिए घास की कमी को देखते हुए वन विभाग ने डॉली रेंज कार्यालय की पौधशाला में ग्रास नर्सरी स्थापित की है। इस नर्सरी में वन विभाग द्वारा 14 से अधिक विभिन्न प्रजाति की घास तैयार की गई है। यहां घास डॉली रेंज के वन क्षेत्रों में लगाई जाएगी।
तो लालकुआं से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जंगलों में जानवरों के लिए घास की कमी को देखते हुए वन विभाग ने डॉली रेंज कार्यालय की पौधशाला में ग्रास नर्सरी को स्थापित किया। और आपको बता दें कि इस नर्सरी में वन विभाग के द्वारा 14 से अधिक विभिन्न प्रजाति की घास को तैयार किया गया है। यहाँ घास डॉली रेंज के वन क्षेत्रों में लगाई जाएगी। प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में पहली बार डॉली रेंज के अंतर्गत एक ग्रास नर्सरी की स्थापना की गई है, जिसमें विविध क्षेत्रों में जो जंगलों में घास पाई जाती है उसका यहां पर रोपण किया गया है। एक नर्सरी तैयार की गई है ताकि वन क्षेत्रों से जो लैंटाना का उन्मूलन हो उसके स्थान पर इस घास को रोपित किया जा सके, ताकि वन्य जीवों को चारे इत्यादि की वन क्षेत्रों में कमी ना हो। इसमें लगाई जाने वाली घासों में हाथी को ध्यान में रखकर भी घास लगाई गई है, नेपियर घास लगाई गई है, नरकुल घास लगाई गई है, और इसके अलावा लेमन ग्रास है, इसमें मडुआ घास है, इसके अलावा भी कई प्रकार की लगभग 14 प्रजातियां यहां पर। वहीं लक्सर के खरंजा कुतुबपुर में घर में सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। हत्या की खबर लगते ही परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और साथ ही मृतक के हाथ पर जो चोट लगी है उससे इस मर्डर की थ्योरी थोड़ी उलट सी गई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है इस तरह से कलाइयां कटी हुई है, कुछ घायल है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना पर जो थाना प्रभारी लक्सर है वो मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा भी यहाँ पर पहुँच कर जो मौके का मुआयना किया गया। आगे की ये कार्रवाई चल रही है, लाश को पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए। वहीं बहादुराबाद स्टेट टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए सहदेव पुत्र चिट्ठी कोठी के किसान धरना स्थल पर पहुंचे हैं। किसानों ने मिलकर टोल प्लाजा बहादुराबाद पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ना तो दिल्ली से किसान हटेगा और ना यहां से। वहीं लालकुआ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद हल्दूचौड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मृतक युवक की शिनाख्त 26 वर्षीय राजू जोशी के रूप में हुई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि युवक लालकुआ के हल्दूचौड़ गोपीपुरम क्षेत्र का निवासी था। तो लालकुआ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर इस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने जब मामले की जानकारी पुलिस को दी उसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।